हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है कुक विद यू। आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे आप काजू कतली घर पे ही बना सकते हैं सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से, एक काजू और एक शुगर। शुगर इसलिए क्योंकि हम लोग को शुगर सिरप बना। काजू और काजू को चलिए अभी हम लोग पीस लेते हैं। मैंने काजू को मिक्सर में पीस लिया है और जितना आप काजू लोगे उससे थोड़ा कम आपको शुगर लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे रेसिपी की ओर। एक नॉन स्टिक पैन लेना है और आपको गैस नहीं चालू करना है। फिर उसके बाद आपको शुगर डालना है और थोड़ा सा पानी डालना है। फिर उसके बाद आपको ऐसे मिलाते रहना है। उसके बाद आपको गैस ऑन करना है। आपको इसे 7 से 8 मिनट तक ऐसे ही मिलाते रहना है जब तक शुगर मेल्ट ना हो जाए। जब इसमें उबाल आने लगे तो फिर आप एक कटोरी में पानी लेके थोड़ा सा चाशनी डाल के इसमें चेक करिए। जब इसमें गांठे बन रही हैं तो आप समझ जाइए, देखो गांठे बन गई हैं, तो आप समझ जाइए कि आपकी चाशनी रेडी हो गई है काजू कतली के लिए। फिर उसके बाद आप गैस बंद करके काजू को चाशनी में डाल दीजिए। फिर उसके बाद मिलाइए, क्योंकि गैस बंद करने के बाद आप काजू को डालेंगे तो फिर काजू में गांठे नहीं आएंगे। आप इसे 7 से 8 मिनट तक ऐसे चलाते रहिए। अगर आपको लगे कि आपका शुगर सिरप कम है तो आप उसके अंदर दूध भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैंने नहीं डाला है, आप चाहे तो डाल सकते हैं अगर आपको लगे आपका शुगर सिरप कम है तो। और याद रखे कि आपका जो गैस धीमी आंच पे रहे वरना ये काजू कतली जल जाएगा। फिर जब आप इसे मिला ले तो आप 1 चम्मच घी डाल दें। एक बड़ा सा थाली लेके थोड़ा सा घी लगा ले उसपे, चारों तरफ लगा ले, डाल के फिर इसमें हमें फैला देना है। जब आपका पेस्ट काजू कतली ऐसा दिखे तो फिर आप अपना गैस बंद करके एक वो प्लेट में निकाल लीजिए जो प्लेट में आपने घी लगाया है। मैंने आपको पहले ही ये स्टेप बताया था कि ये प्लेट में मैंने घी लगा के रखा हुआ है। आप घी नहीं लगाएंगे तो आपका पूरा काजू कतली खराब हो जाएगा और वो चिपकने लगेगा वो प्लेट में। तो आप ऐसे ऐसे करके मिला लीजिए हर जगह पे। जब आपको लगे कि आपका काजू कतली गर्म है तो आप कटोरी पे घी लगा के ऐसे भी फैला सकते हैं, ये भी एक ट्रिक है। आप देख सकते हैं मेरा काजू कतली कितना प्लेन है और कितना अच्छा दिख रहा है। इसे 2 मिनट तक ठंडा होने के लिए साइड में रख दीजिए। अभी आप इसे काजू कतली के शेप में काट दीजिए। फिर आप ऐसे ही काजू कतली के शेप में कट कर दीजिए। घर का काजू कतली बनके रेडी हो गया है। आप चाहे तो इसे घर पे ही बना सकते हैं। आपको मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।